Good morning, dear students. How are you all? Today, we are going to start a new chapter whose name is Our Safety, matlab Hamari Suraksha. We'll read in this chapter how we can make ourselves safe inside the house and outside also. What are the various methods, various techniques? क्या क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं. व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स वी हैव टू फॉलो टू मेक आर सेल्व्स सेफ एंड किसी भी तरह के खतरे से अपने आप को हम बचा के रख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी सेफ. सेफ रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है. वी कैन हैव एन एक्सीडेंट इनसाइड और आउटसाइड द हाउस. हम चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है. देयरफॉर वी मस्ट बी केयरफुल एट ऑल टाइम्स एंड अवॉइड एक्सीडेंट्स. इसलिए हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए और किसी भी तरह के एक्सीडेंट को अवॉइड करना चाहिए. फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स विल हेल्प अस टू अवॉइड मैनी पॉसिबल डेंजर्स. अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम किसी भी तरह के खतरे से खुद को बचा के रख सकते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी गोना रीड ऑल दोज सेफ्टी रूल्स विच वी कैन फॉलो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डेंजर. सो फर्स्ट इज सेफ्टी इनसाइड द हाउस. अब घर के अंदर हम कैसे सेफली रह सकते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी केयरफुल इवन व्हेन यू आर इनसाइड द हाउस. चाहे हम घर के अंदर भी हैं तो फिर भी हमें केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है. Let us read about the safety rules to be followed inside the house. अब चलिए देखते हैं कि घर के अंदर कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए. Now, first is don'ts. So, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है. Do not open the door to any stranger. कभी भी किसी अजनबी के लिए हमें घर का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए. वो अजनबी कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपको नुकसान पहुँचा सकता है. सो किसी भी अनजान इंसान के लिए घर का दरवाज़ा नहीं खोलना है. डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंजर. कभी भी किसी अजनबी से कोई भी खाने की चीज़ नहीं लेनी चाहिए. ओके. डू नॉट टच एनी हॉट कुकिंग पॉट और एनी इलेक्ट्रिकल गैजेट. कभी भी किसी गरम बर्तन को टच नहीं करना चाहिए या किसी इलेक्ट्रिकल गैजेट जैसे कि प्रेस हो गया या कंप्यूटर के कोई पार्ट्स हो गए या स्विचेस हो गए या फ्रिज वगैरह के बैक साइड्स हो गए. सो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आपको टच नहीं करना चाहिए व्हेन इट इज़ इन ऑन पोजीशन. डू नॉट हैंडल शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स. घर में किसी भी तरह की शार्प या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए जैसे कि कोई नाइफ हो गया या कोई टूल हो गया. तो ऐसी चीज़ों को आपको टच नहीं करना है. डू नॉट बी केयरलेस विद ग्लास ऑब्जेक्ट्स. ग्लास की जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनके साथ आपको केयरलेस बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि वो आपके हाथ से छूट के टूट सकती हैं और आपके हाथों में आपको चोट लग सकती है. डू नॉट टच प्लग्स और एनी इलेक्ट्रिकल वायर्स. किसी भी तरह की इलेक्ट्रिकल वायर या प्लग को आपको टच नहीं करना है. डू नॉट लीन फ्रॉम अ बालकनी. इट इज़ डेंजरस. बालकनी से कभी भी नीचे नहीं लटकना है या छत से कभी भी नीचे की तरफ नहीं लटकना है. आपका बैलेंस बिगड़ सकता है और आप गिर सकते हो. नेक्स्ट इज डूज. आपको करना क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है. इन्फॉर्म एन ओल्डर पर्सन इन द हाउस इफ़ यू नोटिस एनी फायर इन द हाउस. अगर आपको घर में कहीं भी लगता है कि कहीं आग लगी हुई है तो घर में जो बड़े हैं आपको फटाफट से उनको बताना चाहिए. ऑलवेज टेल एन ओल्डर पर्सन इन द हाउस अबाउट एनी स्ट्रेंजर इन और अराउंड द हाउस. अगर आपको घर में किसी भी तरह का कोई अजनबी इंसान दिखाई दे या घर के आसपास कोई अजनबी इंसान दिखाई दे तो घर के बड़ों को ज़रूर बताना चाहिए. ऑलवेज इन्फॉर्म एन ओल्डर पर्सन इन द हाउस इफ़ यू और योर सिबलिंग इज़ हर्ट. अगर आपको या आपके किसी कज़न को चोट लग गई है तो आपको घर के किसी बड़े बुज़ुर्ग को इसके बारे में बताना चाहिए. ऑलवेज कॉल एन ओल्डर पर्सन इफ़ यू स्मेल समथिंग स्ट्रेंज इन द हाउस.
अगर आपको घर में किसी तरह की कोई भी स्मेल आती है, कोई फॉल स्मेल है या कोई अजीब सी बदबू आ रही है, तो आपको घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग को बताना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज सम इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स इन इंडिया। अब इंडिया में बेटा कुछ इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स है कि किसी भी तरह की इमरजेंसी में आप उन नंबर्स को डायल करके मदद के लिए बुला सकते हो। फर्स्ट इज पुलिस कंट्रोल रूम ऑल ओवर इंडिया। पूरे इंडिया में जो पुलिस कंट्रोल रूम का कॉन्टेक्ट नंबर है दैट इज़ 100। अगर आप कहीं मुसीबत में हो और आपको पुलिस की हेल्प चाहिए तो आप 100 मतलब 100 डायल करेंगे तो पुलिस से आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चिल्ड्रंस हेल्पलाइन। अगर आपको किसी तरह की कोई मुसीबत लगती है, आप बच्चे हो है ना, आप छोटे बच्चे हो, आपको किसी तरह की कोई मुसीबत लगती है, आप कहीं फंस गए हो, तो हेल्प के लिए आप 1098 पर कॉल कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो आपकी हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट इज एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर। अगर मान लीजिए कहीं पे किसी को चोट लग गई है, कोई सड़क पे दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया है और आपको एम्बुलेंस को बुलाना है ताकि वो आके फटाफट से आपको डॉक्टर के पास ले जाए, तो आप 102 डायल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फायर सर्विस। अगर मान लीजिए आप कहीं पे आग लग गई है और आप आग को बुझाने के लिए फायर सर्विस को बुलाना चाहते हैं, देन यू कैन कॉल ऑन 101। नेक्स्ट इज़ ऑल इंडिया रेलवे हेल्पलाइन नंबर। अगर आप ट्रेन में कहीं फंस गए हैं या आपको ट्रेन रेलवे से रिलेटेड कोई इशू है, तो आप 1512 पे कॉल करके रेलवे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे सेफ्टी आउटसाइड द हाउस। तो ये थी सेफ्टी इनसाइड द हाउस, व्हाट आर द वेरियस रूल्स यू हैव टू फॉलो व्हाइल इनसाइड इन द हाउस। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।